Rettano mendi la madre, su vodka in avade, bleacher on ultima camade, otke fracca pamade, tu pere gocce te camade, per nanni car idilan jamade. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल चाचो वी जन्नत। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हेलो रज्जू भैया, ईद मुबारक भैया। आज ईद है, जल्दी उठ गए हो? रात को लेट सोया था। लेट सोया था? मैं अभी आपके लिए आपके कपड़े लेके आया हूँ, अभी लेके आया हूँ। ऊपर तो देखो, फ्रेंड्स को भी ईद मुबारक हो। चलो आपा को उठाएं आगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी आपो अभी तक सोई है। आपो आपो उठ जाओ, ईद है आज है। मैं आपके कपड़े ले आया हूँ, वो आपका कोड प्रेस कर वो स्ट्राइक करवा के। हेलो गुड मॉर्निंग रज्जू, ये आपका बेड लगा हुआ है? ऊपर सोए थे तो इधर कौन सोया था? फिर खेल रहे थे? अच्छा चलो आपके कपड़े प्रेस करें अब। चलो आ जाओ, ईद आ गई आज ना। रात को कितने बजे सोए थे? रात को कितने बजे सोए थे? हाँ जब पप्पो गई थी इतनी लेट। अब कितने जा रहे हो? शादी को देखने। वो सोया है, आ जाओ आप ऊपर रहो। चलो A few moments later. फिर जब नमाज पढ़ने जाए आप बंदे तो हम आपको बाद में मिलेंगे। तो फ्रेंड हम जा रहे हैं मस्जिद में नमाज ईद उल फितर अदा करने के लिए। मेरे साथ रजब है और हम दोनों जा रहे हैं मस्जिद में। तो चलें हमारे साथ मस्जिद में, वहाँ जाके हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, कितने को लोग हैं। तो हम पहुँच चुके हैं मस्जिद में, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग हैं, कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही। फिर हम ऊपर ही जाके बैठते हैं। तो फ्रेंड्स आज भी जन्नत ने फरमाइश की है कि मैंने पास्ता ही खाना है। बड़ी मुश्किल से ये सामान लेके आया हूँ क्योंकि आज ईद है ना, तो ईद वाले दिन कोई शॉप नहीं खुली होती वेजिटेबल्स की। एक खुली थी, वो पता नहीं उसने कैसे खुली थी। उससे मैं लेके आया हूँ थोड़ा सा सामान, ये शिमला मिर्च वगैरह थोड़ी सी पड़ी थी उसके पास। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज, तो हमने सोचा कि कहीं जाके ठंडी जगह पे जाके जहाँ गर्मी कम लगे वहाँ जाते हैं। तो एक जगह थी हमारे जहन में, तो हम वहाँ जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है गर्मी से बचने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं, तो दूसरे लोग भी होंगे। एक रास्ते में एक शॉप थी, वहाँ हम रुके हैं थोड़ा सा सामान लेने के लिए, बोतल वगैरह लेज वगैरह वो ले लें, फिर हम यहाँ से निकल के वहाँ जाते हैं। हम आए हुए थे इधर बियर विनर पर कसूर, तो यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारा। आप ये देख सकते हैं कि सूखी हुई है नहर, इसमें कुछ भी नहीं है, फजूल हुआ मनाना। देख सकते हैं आप बिल्कुल सूखी हुई, यहाँ से One eternity later. ये नई अपडेट है यहाँ पे 1965। और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाता चलूँ। यहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर खड़े थे, मैंने उनसे पूछा था कि अंदर जाना है,
उन्होंने अंदर जाने से मना कर दिया, कहते थे नहीं जाना अभी, मैं आपको यहीं बाहर से दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए नहर के अंदर हम खड़े हैं, बिल्कुल सूखी। ये वो जले जहाँ खौफ आता है देखते हुए, ये देखें बिल्कुल खुश गए। फ्रेंड्स हमारे साथ तो मोए मोए वाला सीन हो गया है, कुछ भी नहीं है इधर, इतनी दूर आने का फ़ायदा भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं साथ बच्चों को भी लेके आने वाला था, रजब और जन्नत को, वो चले गए अपनी नानों घर, तो मैं अकेले ही आया था अपने दोस्त के साथ। तो वो आ जाते तो उन्होंने तंग ही करना था मुझे, जलील करना था, क्योंकि मोए मोए वाला सीन था ना, उन्होंने यही करना था, मोए मोए हो गया। अच्छा वो भी बहुत मोए मोए करते हैं।